सीधे सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। किसानों का जो आंदोलन है उसके मद्देनजर अलग अलग तस्वीरें सामने आई। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें बताई जा रही है, जहां पर किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पर किस तरीके से एकाएक भगदड़ मच गई है, क्योंकि किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों के दिल्ली कूच का आज महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा था। किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश लगातार की जा रही है, बावजूद इसके किसानों ने ठान ली थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई, जब वो सफल होती हुई नजर नहीं आई तो ये तस्वीरें सामने आने लगी। देखिए तस्वीरें हैरान कर देने वाली जो है, ये सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही है, जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी ने अपने मुंह को ढक लिया है, क्योंकि यहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही किसानों की तरफ से कहा गया था कि वो जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारी इस बार की थी, और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें, जहां पर किसानों का बड़ा जमावड़ा था, और ये देखिए अचानक किस तरीके से यहां पर हालात बदल गए, भगदड़ सी मच गई, क्योंकि आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़ दिए गए किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहित बताइए, इस वक्त किस तरीके के हालात शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए प्रतिमा, काफी भीड़ यहां पर हो गई थी, और पंजाब से जो लगातार किसान आ रहे हैं वो पहुंच गए थे, उनके पास कुछ ट्रैक्टर थे जिसके सहारे उन्होंने जो पहली लेयर लगाई गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा बैरिकेड की, उसको हटाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी दी और उसके बाद एहतियातन आंसू गैस के गोले छोड़े गए। करीब एक दर्जन आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल मच गया, और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से भागते हुए दिखाई दिए, और अभी फिलहाल किसान पीछे आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक अपडेट ये दे दूँ कि अब तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला है, जिसमें करीब 1000 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ है, वो यहाँ पर पहुंची भी नहीं है। अभी सिर्फ काफी किसान थे जो कि पैदल यहाँ पर आ गए थे, उनके साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दर्जन भर से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे गए हैं किसानों की भीड़ को रोकने के लिए। दिल्ली कूच ये करने की जो तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसे में वहां पर स्थिति मौजूदा किस तरीके की है? क्या किसान कुछ समय के लिए रुकेंगे और उसके बाद वापस हो लेंगे, या फिर जो वो मांग कर रहे हैं उसको लेकर दिल्ली कूच करके रहेंगे, ये ठान लिया किसानों? देखिए अभी लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है, और अभी एक बार फिर से किसान जब आगे बढ़ने लगे तो फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लगातार ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं वही आपको अपडेट कर रहा था कि अभी सिर्फ कुछ किसान है जो कि पैदल यहाँ पर पहुंचे हैं। जो बड़ा काफिला आ रहा है पीछे, वो तो अब तक यहाँ पहुंचा भी नहीं है, जिसने दावा किया है कि वो दिल्ली तक पहुंच के रहेंगे। तो वो आगे आकर किस तरह से स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी रहकर जो किसान आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़कर ही स्थिति को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल मचा है।
तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहित, जिसको लेकर अपडेट देख रहे हैं दे रहे हैं, एक बार इस तस्वीर को फिर से ध्यान से देखिए। ये टोल गेट लिखा हुआ है सामने, जो बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, और अचानक से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं, जिसके बाद भगदड़ के हालात यहाँ पर बन जाते हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर अब तक वही किसान पहुंचे थे जो पैदल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे, और इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। और अभी बड़ी तादाद में किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलों पर इस इलाके का रुख करेंगे ताकि वो दिल्ली में दाखिल हो सके। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें बॉर्डर के इलाके से आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली है। दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर, जिसमें केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी दे, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, किसानों के खिलाफ मुकदमों को वापस ले लिया जाए, ये ऐसी तमाम कई और मांगे हैं जिनको लेकर दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की तरफ से की गई थी। और इन्हीं किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जबरदस्त तैयारियां भी की गई थी। इस बीच ये बॉर्डर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैरिकेडिंग तोड़कर जब किसान आगे बढ़ने लगे और वहां पर हालात को काबू करने के लिए किस तरीके से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। मोहित, मैं आपसे फिर से एक बार यही जानना चाहूंगी कि फिलहाल किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। देखिए, अभी भी आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और करीब 20 राउंड फायर किए जा चुके हैं, और अभी भी जो पंजाब की तरफ से किसान पहुंचे हुए हैं, उसमें ज्यादातर युवा भी हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं और आगे बार बार जब आगे जाने का प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं वही आपको बता दूं कि भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड और कंक्रीट भी लगाई गई है कि आगे बढ़ना आसान नहीं होगा लोगों के लिए, भले ही वो ट्रैक्टरों पर है, लेकिन अभी जो पैदल लोग आ रहे हैं और बार बार बैरिकेड। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने TV9 भारत वर्ष लेकर आया, जहाँ दिल्ली का सिंघू बॉर्डर अब सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच सिंघू बॉर्डर से अपडेट आ रहा है कि बॉर्डर को सील कर दिया गया। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जितेंद्र, बताइए और क्या कुछ अपडेट आपके पास? तो जितेंद्र का रुख करें उससे पहले तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कोशिश की थी दिल्ली कूच करने की, और पैदल जो पहुंचे किसान थे उन्हें रोकने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी। और ये देखिए अब ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर किसान एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस इलाके में धुआं नजर आ रहा है, मतलब उन्हें जो रोकने की कोशिश की गई थी, बावजूद इसके अब किसान संघर्ष कर रहे हैं, आगे का रुख कर रहे हैं। मोहित, अभी कुछ तस्वीरें और लेटेस्ट सामने आई हैं, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहली वो जब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और किसान यहाँ वहाँ भागने लगे, दूसरी तस्वीर में सड़क के दूसरे किनारे भारी संख्या में किसान अभी भी नजर आ रहे हैं। चक चक चक। मोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहित, से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए हालात हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, और ये तस्वीरें अंबाला से सामने आई है, जहां पर शंभू बॉर्डर पर पैदल जो किसान है आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहे थे तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए और इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई, और उसी के बाद ये तस्वीरें सामने आई। हालांकि अभी भी किसान अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली कूच करके रहेंगे, और जैसा कि हमारे सहयोग मोहित बता रहे थे कि अभी भी ट्रैक्टर और ट्रॉलों में भरकर किसान पहुंचना बाकी है इस इलाके में। और उस तरफ दूसरी तरफ अपडेट हमें मिल रहा है, सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि आंदोलनकारी किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके। मोहित, देखिए अभी शंभू बॉर्डर पर ही पूरा ये जो विवाद है वो आपको जो ब्रिज के ऊपर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, उनके साथ हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, और उन्होंने ऐसी पोजीशन ले रखी है कि अगर कोई भी इस ब्रिज को जो कि गंगर नदी पर बना है और नेशनल हाईवे है और आगे अंबाला की तरफ जाता है, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, अगर यहाँ से कोई त्याग छोड़ता है तो वहाँ से आंसू गैस के गोले फायर किए जाते हैं, और देखकर जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है उनको टारगेट किए जाते हैं। इसी वजह से ये जो सामने बैरिकेड दिख रहे हैं जहाँ पर टोल गेट का बोर्ड लगा है, वहाँ पर कोई भी किसान वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाया और किसानों को पीछे भागना पड़ा, उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बचा और अभी भी रुक रुक कर जो फायरिंग है आंसू गैस के जो गोले हैं वो फायर किए जा रहे हैं।
तो मोहित के लिए भी बात करना बहुत मुश्किल है, उनके कैमरा पर्सन भी किस तरीके से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे, बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे समय में तस्वीर आप तक पहुंचाना, क्योंकि देखिए जब आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो ना आप देख पाते हैं ना आप सांस ले पाते हैं ठीक से, और ऐसे में आप तक हर एक अपडेट TV9 भारतवर्ष के संवाददाता पहुंचा रहे। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, शंभू बॉर्डर अंबाला से ये सीधी तस्वीरें सामने आई, जब एकाएक यहां पर किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की, बॉर्डर पार करने की कोशिश की, तो टोल गेट पर मौजूद पुलिस की टीम ने यहां पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। उधर सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात है अपडेट्स के साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए, जितेंद्र बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर को भी अब धीरे धीरे सील किया जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया आम आवाजाही के लिए, तो कहा जा सकता है कि सिंघू बॉर्डर भी अब सील किया जा चुका है। और ये जो ठीक जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाला ट्रैफिक है उसको भी कुंडली थाने पर रोक दिया गया। ये जो आप चलता हुआ ट्रैफिक देख रहे हैं ये कुछ वाहन है जिनको इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने की इजाजत दी गई, और उसके बाद सिंघू बॉर्डर को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा आम वाहनों के लिए। तो कहा जा सकता है कि सिंघू बॉर्डर भी अब सील कर दिया गया, और ठीक सामने देखिए किस तरीके पुलिस के साथ और साथ जो सीमेंटेड स्लैब्स हैं उनके बीच में भी कंक्रीट की जा रही है, जो कंक्रीट का मसाला उसको भरा जाए ताकि अगर ट्रैक्टर लेकर किसान उन्हें ग्रहण की कोशिश करे तो वो हिला ना पाए। तो कहा जा सकता है कि तैयारी जो है वो लगभग इस वक्त पूरी हो चुकी है, और किसी भी सूरत में कोशिश है दिल्ली पुलिस की कि जो किसान वो दिल्ली पुलिस के जवानों को भी हम देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ RAF के जवान भी इस वक्त मुस्तैदी के साथ ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। कोशिश उनकी तरफ से ये की जा रही है कि किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जाए। इस बीच मोहित का रुख करना चाहेंगे, शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित बताइए अपने आसपास अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए अभी थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो अब देखिए ये देखिए मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि अभी देखिए कुछ किसान एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं, और ये मेन जो ब्रिज है ये नेशनल हाईवे पर बना हुआ है, नीचे घग्गर नदी बहती है और उसके ऊपर ये ब्रिज है पंजाब हरियाणा को। देखिए अभी चेतावनी दी जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वापस चले जाएं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। जो किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पंजाब से वो यहाँ पर लगातार रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं और बैरिकेड्स पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस के द्वारा चेतावनी दी जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं, और यहाँ पर धारा 144 लगी है और आप अंबाला की सीमा में हरियाणा की सीमा में दाखिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए कुछ आपको किसान जो है वो खड़े हुए दिखाई देंगे बिल्कुल रोड के ऊपर, और यही किसान रह रहकर जब बैरिकेड्स पर चढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले फायर किए जाते हैं, और लगातार ये पिछले 15 मिनट से हो रहा है, करीब 20 से 22 राउंड जो आंसू गैस टीयर गैस है वो फायर किया जा चुका है। क्या ऐसी कोई जानकारी आप तक है मोहित कि ये कितने किसान हैं जो अभी वहां पर मौजूद हैं जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए, और कितनों का अभी आना बाकी है? देखिए करीब 3 से 4 हज़ार किसान तो अभी हम देख पा रहे हैं जो पहुंचे हुए हैं, और अभी इनकी ट्रैक्टर ट्रालियां पीछे हैं क्योंकि पूरा जो काफिला है उसको एकजुट होना है। अभी करीब 1000 से 1200 के आसपास ट्रैक्टर ट्रालियां हैं जिनको एकजुट होना है, और उसके बाद ये ट्रैक्टर ट्रालियां भी आगे आएंगी, तो उसके बाद स्थिति कैसे संभलेगी, हरियाणा पुलिस कैसे नियंत्रण में लाएगी स्थिति को, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो पैदल ही यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको संभालना ही काफ़ी मुश्किल भरा काम हो रहा है। आपको मैं एक बार ये खेतों में दिखाना चाहूँगा, खेतों में अभी देखिए दूर दूर तक आपको ये जो किसान दिखाई दे रहे हैं ये जो टीयर गैस चलाए गए हैं उससे बचकर भागते हुए लोग हैं जो कि यहाँ खेतों में दूर दूर जाकर चले गए हैं। अब एक बार फिर से चेतावनी दी जा रही है हरियाणा पुलिस की ओर से कि आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप बैरिकेड्स पर ना चढ़ें, उनको हाथ ना लगाएं, पीछे हट जाएं। देखिए अभी चेतावनी हो रही है, सुनाने का प्रयास करता हूं आपको, हरियाणा पुलिस माइक के माध्यम से लगातार चेतावनी दे रही है। आवाज तो हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए जरूर बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि भारी तादाद में किसान भी नजर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी ग्राउंड पर है। देखिए ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा बैरिकेड पर, देखिए फिर से कुछ किसान चढ़े हैं, हरियाणा पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से चेतावनी दी जा रही है। ये देखिए फिर से टीयर गैस फायर किए गए हैं और लोग भाग रहे हैं। देखिए ये देखिए टीयर गैस आकर गिरे हैं और जो लोग वहाँ पर बैरिकेड्स पर जमा थे वो पीछे भाग रहे हैं, तो यही सिलसिला पिछले 15 से 20 मिनट से चल रहा है। करीब 20 से 22 राउंड फायर किए गए हैं टीयर गैस के, और अभी भी देखिए आपको जो आवाज़ें आ रही हैं ये टीयर गैस फायर किए जा रहे हैं, लोगों को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग थोड़ी देर के लिए पीछे आते हैं और उसके बाद फिर से एकजुट होकर आगे चले जाते हैं, और यही सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जो फर्स्ट लेयर है, 7 लेयर लगाए गए हैं बैरिकेड्स के, अब तक पहला ही लेयर जो
जो यहाँ पर किसान प्रदर्शनकारी हैं वो पार नहीं कर सके। हालांकि अभी ये लोग पैदल हैं, इनके पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नहीं है, और ये जो सब कुछ हो रहा है, जो पैदल किसान यहाँ पर पहुँच गए हैं, आसपास के गाँव के किसान हैं उनके साथ ये पूरा हरियाणा पुलिस का इस वक्त मुकाबला चल रहा है, टीयर गैस वर्सेज किसान। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़े हैं और हरियाणा पुलिस को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर दो साल पहले दिल्ली ने जो तस्वीरें देखी थी वो हालात एक बार फिर से ना बने, इसको लेकर जो बॉर्डर एरिया है, हरियाणा के हों, पंजाब के हों या पश्चिमी यूपी के, वहाँ पर तैयारियाँ पहले से की गई थी, लेकिन उन तैयारियों के बावजूद किसान बॉर्डर एरियाज में पहुँच चुके हैं। और ये तस्वीरें सीधे अम्बाला से आप तक मोहित बल्होत्रा पहुँचा रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से मनाने की कोशिश इन किसानों को की जा रही है कि वो वापस चले जाएँ, लेकिन किसान डटे हुए हैं और अभी बड़ी तादाद में किसानों के आने का सिलसिला जारी है। तो मोहित, यहाँ पर मनावल की कोशिश तो पहले से ही की जा रही थी, उसका कोई असर नहीं हो रहा था, ऐसे में क्या रणनीति पुलिस प्रशासन की आगे रहने वाली है? देखिए अभी पहला प्रयास पुलिस का यह है कि जो भी प्रदर्शनकारी पंजाब की तरफ से आ रहे हैं वो अंबाला में यानी हरियाणा की सीमा में एंटर ना हो पाए, और इसी वजह से लगातार ये टीयर गैस फायर किए जा रहे हैं। और लेकिन अभी देखिए एक बार फिर कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए सब कुछ जो हो रहा है, ये टोल प्लाज़ा के 500 मीटर के पास ही ये ब्रिज है, ये ब्रिज हरियाणा और पंजाब को आपस में जोड़ता है जिसे शंभू बॉर्डर कहा जाता है, और वहाँ से जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ते हैं, हरियाणा पुलिस को चैलेंज करते हैं या फिर और आगे जाने का प्रयास करते हैं, जो फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेड्स है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब दूसरी तरफ से टीयर गैस फायर किए जा रहे हैं। अभी पुलिस का प्रयास यह है कि टीयर गैस के माध्यम से जितने भी यहाँ पर किसान आ रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, उनको पीछे खदेड़ा जा सके। देखिए अभी ये लोग पीछे हट गए थे टीयर गैस चलने के बाद, लेकिन अब एक बार फिर से ये लोग, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से ब्रिज के ऊपर, ये जो हाईवे का पर बना हुआ ब्रिज है, नेशनल हाईवे पर, जो कि दिल्ली को आगे अम्बाला से पंजाब और पंजाब से आगे जम्मू तक जाने के लिए इसी हाईवे का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए अभी फिर कुछ ये किसान हैं जो कि रुक रुक कर पहले पीछे चले जाते हैं टीयर गैस जब चलते हैं, उसके बाद अब ये दोबारा आगे जा रहे हैं, फिर से वहाँ से हरियाणा पुलिस को टीयर गैस फायर करने पड़ेंगे ताकि ये लोग पीछे किसी तरह से भाग जाएं, यहाँ से हट जाएं। तो ये तस्वीरें मोहित लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टोल गेट है वहां से किसानों की दाखिल होने की जो कोशिशें हैं उन्हीं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, और पहले उन्हें मनाने की कोशिश की गई लेकिन जब किसान नहीं माने तो आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई उसे देखकर लग रहा है कि ये संघर्ष अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि किसानों पर जब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो वो पीछे की तरफ भागते हैं लेकिन फिर वापस उसी जगह का रुख करते हैं जहां से उन्हें दिल्ली में दाखिल होना है। लेकिन आपको एक बार समझना होगा कि आखिरकार आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई वो क्यों सामने आई। ये देखिए किसान दरअसल दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए आंदोलनकारी किसानों पर हरियाणा पुलिस की एक्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का हंगामा इस वक्त जारी है, दिल्ली कूच की तैयारी उनकी तरफ से की गई है। और वही तब कितना वक्त और माना जाए जब आप कह रहे हैं कि और बड़ी तादाद में बड़े बड़े वाहनों में भरकर किसान इसी इलाके का रुख करेंगे जहां पर अभी ये तमाम कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। देखिए अभी सभी किसान एकजुट हो रहे हैं, अलग अलग किसान संगठनों के किसान पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो किसानों का जत्था आ रहा है वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अमृतसर की तरफ से लाया जा रहा है, जिसमें करीब माना जा रहा है कि 900 से 1000 के आसपास ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, और वो एकजुट होकर ही यहाँ पर पहुँचेंगे। अपने साथ जेसीबी मशीनें भी ला रहे हैं, मिट्टी से भरी हुई ट्रॉलियाँ ला रहे हैं कि अगर ये जो खेतों का कच्चा रास्ता है अगर यहाँ से होते हुए अगर हरियाणा में दाखिल होना पड़े तो रास्ते में कोई रुकावट आएगी, जैसे पानी जमा है या फिर बीच में घग्गर नदी आएगी, तो वहाँ पर मिट्टी डालकर ये किसान आगे बढ़ने की पूरी रणनीति बनाकर आए हैं। ज़्यादातर किसान नेता वही हैं,
किसान संगठन वही हैं जो इससे पहले किसान आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, और इसी वजह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हम जूम कर सकें, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, ब्रिज के नीचे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान दिखाई देंगे, वो इसीलिए रखे गए हैं कि अगर नदी के रास्ते से अगर किसान मिट्टी डालकर या जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के लिए कच्चा कोई रास्ता बना लेते हैं टेम्परेरी, तो वहाँ पर उनको रोका जा सके। इसी वजह से यहाँ पर खुदाई भी की गई है, काफ़ी घग्गर नदी के आसपास की मिट्टी हटाई गई है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं कि अंदर से ट्रैक्टर ट्रॉलीज ना निकल सकें, और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी वहाँ पर लगाया गया है कि अगर किसी भी तरह से किसान वहाँ से हरियाणा की सीमा में दाखिल होने का प्रयास करते हैं ऑल्टरनेट रूट बनाकर, तो उनको रोका जा सके। तो देखिए, 2 साल पहले भी किसान आंदोलन की जो तस्वीरें सामने आई थी उस पर किसान और जवान आमने सामने थे, और एक बार फिर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की तरफ से की गई है, और उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं पंजाब और हरियाणा के बीच डबवाली भटिंडा बॉर्डर से, हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मौजूद है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मलोट ऑफ हजलका की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये पूरी तरीके से उस तरफ से भले ही खुला हुआ है पंजाब की तरफ से, लेकिन हरियाणा की तरफ क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। निशान जरा तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए, यहाँ से हरियाणा की जो सीमा है वो शुरू होती है, और ये फ्लाईओवर पार कर जाते हैं तो आप हरियाणा पहुँच जाते हैं अंदर। यहाँ देखिए, पहले से यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है और यहाँ पर किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है, जो वाहन जा भी रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है। अब आगे की स्थिति आपको दिखाते हैं, निशान जरा जूम करके दिखाएं, आगे आप देख पाएंगे कि दोनों तरफ से जो ये फ्लाईओवर है, ये बॉर्डर है, इसको क्लोज कर दिया गया है, कॉन्क्रीट की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है, आयरन फेंसिंग की गई है, साथ ही साथ में सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसकी पहचान की जा सके। लेकिन बड़ी बात यही है कि फिलहाल तमाम ऐसे जो बॉर्डर्स हैं जो हरियाणा पंजाब के बीच हैं, उनके ऊपर इसी तरीके से तारबंदी और बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों को समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, और किसानों ने कहा कि अब वो हर हाल में दिल्ली जाएंगे। कुछ कुछ जगह पर किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पर डबवाली जो हरियाणा और पंजाब के बीच में ये बॉर्डर है उसकी स्थिति आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है, हालांकि लोगों के आवाजाही के लिए पूरी तरह से रोका गया है, लेकिन किसान अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, सामने जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा इलाका पंजाब का है जो कि मलोट और आगे फाजिलका की तरफ जाता है, यहाँ से आगे की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है, धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, और फिलहाल की स्थिति यहाँ ज़रूर सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने चेतावनी दी है कि वो पंजाब से हरियाणा तो वे दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं लगातार, और इस बीच ताज़ा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं अलग अलग बॉर्डर इलाकों से, जहां पर नज़र आ रहे हैं अब आपको बहुत सारे किसान जिन्होंने आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए अपने मुंह पर रुमाल बांध लिए, और देखिए अभी भी आंसू गैस के गोले जो दागे जा रहे हैं उनका शोर साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। शंभू बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर कोशिशें किसान की तरफ से की जा रही हैं कि वो दिल्ली कूच कर सकें, और ये वो तमाम किसान हैं जिन्हें बार बार पीछे धकेलने की कोशिश पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जवान कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है आंसू गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, जैसे ही किसान जो है कोशिश करते हैं, ये देख सकते हैं एक बार फिर से आंसू गैस बहुत बड़ी संख्या में आंसू गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, और किसान जो है मोहित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मोहित, अभी ताजा तस्वीरों में नजर आ रहा है कि वही सिलसिला अब भी जारी है, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए। देखिए अभी कुछ एक बार फिर से कुछ टीयर गैस फायर किए गए हैं, आपको दिखा देता हूं, अभी भी आपको धुआं यहां पर दिखाई देगा, और लगातार ये सिलसिला जैसे मैं बता रहा था कि 20 से 25 मिनट से ये सिलसिला लगातार जारी है, और जो प्रदर्शनकारी हैं वो रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं और उनको हटाने के लिए, अब देखिए आप पीछे जा रहे हैं लोग, लेकिन जैसे ही धुआँ छटेगा थोड़ा सा उसके बाद ये लोग फिर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद दूसरी ओर से फिर एक बार टीयर गैस फायर किए जाएंगे, और यही सिलसिला लगातार जारी है, और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी मुश्किल भी हो गया है सांस लेना। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो किसान प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे थे वो खेतों में पहुँच गए हैं, दूर आ गए हैं कुछ लोग, लेकिन काफ़ी प्रदर्शनकारी अभी भी हाईवे पर मौजूद हैं जो कि लगातार हरियाणा की सीमा की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं को पीछे खदेड़ने के लिए अभी भी लगातार टीयर गैस फायर किए जा रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो हर संभव रास्ता जो कि दिल्ली की ओर जा सकता है वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान भी लगातार जैसे ही आंसू गैस का धुआं छटने लगता है वो एक बार फिर से रुक करते हैं, टोल को पार करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें ये शब्बू बॉर्डर से आप देख रहे हैं जहाँ पर आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए। मोहित, अब क्या माना जा रहा है, क्या किसान वहीं पर कर बैठने की भी तैयारी करेंगे या फिर आगे बढ़ने की कोशिश जो उनकी तरफ से की जा रही है वही जारी रहने वाली है? देखिए, मैं आपको एक संख्या दिखाने का प्रयास करता हूं, अभी जितने लोग वहां पर हैं उससे कितने गुना लोग पीछे हैं, क्योंकि टीयर गैस फायर हो रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये हाईवे है और हाईवे पर आपको लोग देखिए दिखाई देंगे, और अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि ट्रैक्टर ट्रालियाँ तो आई नहीं हैं और हाईवे पर ये तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी भी काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो हैं वो पीछे इंतज़ार कर रही हैं और वो एकजुट होकर वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो जितने भी यहाँ पर हम जो देख रहे हैं हंगामे की स्थिति बनी हुई है, उसमें वही किसान है जो यहाँ पर पहुँचे अपनी गाड़ियों से, गाड़ियाँ पीछे खड़ी की और आगे पैदल आए हैं, और वही पैदल लोग ही दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल मचा है। देखिए एक ड्रोन यहाँ पर आ रहा है, ड्रोन के माध्यम से भी आंसू गैस के जो गोले हैं, जो टीयर गैस है वो फायर किए जा रहे हैं। देखिए ड्रोन जो आप देख रहे हैं वो उसको आगे भेजा गया है और इससे भी टीयर गैस नीचे फेंके जाएंगे ताकि जो भीड़ इकट्ठी है, जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, उनको खदेड़ा जा सके। साथ ही पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी भी हरियाणा पुलिस के द्वारा की जा रही है कि कल को उनको जवाब देना पड़ सकता है। इसी मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी लगी हुई है, तो इसी वजह से पूरी तैयारी के साथ ही यहाँ पर टीयर गैस फेंका गया है। जी मोहित, आप बता रहे टीयर गैस अभी अभी ड्रॉप किया गया है, वो तस्वीरें हमने भी देखी, ड्रोन यहाँ पर निगरानी कर रहा है और फिर निगरानी के बाद वो तय कर रहा है, तय किया जा रहा है कि कहाँ उसे ड्रॉप किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ड्रोन के माध्यम से ये नई टेक्निक है, 3 टीयर गैस एक बार में ड्रोन जो है वो कैरी कर सकता है, और उसी से देखिए पुलिस कितनी पीछे है, लेकिन अंदर पंजाब की सीमा में जहां पर किसान जमा हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उनको खदेड़ने के लिए, देखिए ड्रोन ने अभी 3 जो टीयर गैस है वो ऊपर से फायर किए हैं, नीचे फेंके हैं, और उसके बाद ये ड्रोन देखिए अब वापस जा रहा है हरियाणा की सीमा में। तो लगातार ये मॉक ड्रिल हरियाणा पुलिस लगातार पिछले कुछ दिन से कर रही थी, उनको पता था ऐसी स्थिति बनेगी, और आप देखिए कितना हंगामा यहाँ पर हो रहा है, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो लगातार चिल्लाते हैं पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर। पुलिस उधर से जो टीयर गन्स हैं उनसे भी फायर कर रही है, और इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी लगातार जो टीयर गैस है वो फेंके जा रहे हैं, लोगों को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए अब जैसे ही ड्रोन वापस गया, फिर आपको कुछ ब्रिज के ऊपर, ये हाईवे पर बना हुआ ब्रिज है जिसके ऊपर अभी भी कुछ लोग आपको दिखाई देंगे। देखिए ड्रोन अब फिर से जा रहा है जिसको हरियाणा पुलिस के जवान लोड करेंगे, एक बार में 3 टीयर गैस जो शेल हैं वो उनको ये कैरी कर सकता है ड्रोन। तो मोहित, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये देखिए वो ड्रोन जिसके जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बाकायदा वीडियो मॉनिटरिंग तो ड्रोन के द्वारा की ही जा रही है, लेकिन ये ड्रोन पुलिस प्रशासन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों पर आंसू गैस के गोले इसके जरिए दागे जा रहे हैं, बाकायदा इसकी मॉक ड्रिल भी की गई है। और ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए जरा, वही देखिए तस्वीरें आपके कैमरा से हम तक लगातार पहुंच रही है, ड्रोन नजर आ रहा है सामने, और इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आंसू गैस के गोले दागने के लिए किसानों पर। जी बिल्कुल, इसी ड्रोन को लोड किया जाता है, इसमें एक बार में 3 जो टीयर गैस शेल हैं वो आ सकते हैं, और उन्हीं से ऊपर जब ये जाता है तो पंजाब की सीमा में जहाँ पर प्रदर्शनकारी लगातार हरियाणा की तरफ आ रहे हैं वहाँ पर टीयर गैस के शेल फेंके जा रहे हैं उनको खदेड़ने के लिए। उसका असर भी अब थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए अभी देखिए जो किसान हैं वो पीछे हैं, और सामने जो ब्रिज है जहाँ से हरियाणा की सीमा शुरू होती है वहाँ पर अभी फ़िलहाल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा धुआं छटेगा, क्योंकि यहाँ पर सांस लेना काफ़ी मुश्किल भरा हो गया। और हम समझ पा रहे हैं मोहित, आप भी सावधान होकर ये रिपोर्टिंग लगातार करते रहिए, दिखाया जा रहा है लगातार कैसे आंसू गैस के गोले वहाँ पर दागे जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन पर लोगों का क्या कहना है ये भी देखिए जरा। रोल
इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी यहां पर तैनात की गई है, जो जगह जगह थी किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, उसकी वजह से अब सिंघू बॉर्डर पर जाम लगना शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। सर कितनी देर से आप लोग जाम में खड़े हैं? हमें लग गया आधा घंटा हो गया था। आधा घंटा हो गया। कहाँ जाना है आप लोगों को? दिल्ली। क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी थी पहले से यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा दी गई, रूट तो डाइवर्ट किए गए? नहीं, अभी तो नहीं गए, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे जो लोगों की दिक्कतें हैं वो सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती जा रही हैं। सर कहाँ जाना है आप लोगों को? दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। देर से फंसे हुए? ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जी, आधा घंटा हो चुका है। अच्छा। गाड़ी तस से मस नहीं हुई अभी तक। कहीं आगे आप लोगों को ट्रैफिक डाइवर्जन की कोई जानकारी वगैरह दी गई? मैं अभी राइट नाउ चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, तो शाहबाद में था डाइवर्जन, वहाँ से फिर रूट मैप किया हुआ है, तो दिल्ली का मैं आइडिया नहीं था कि ये सिचुएशन होगी। तो देखिए लोगों को आइडिया नहीं था कि सिंघू बॉर्डर पर इस तरीके का जाम मिलेगा, लेकिन स्थिति जो है अब वो सिंघू बॉर्डर पर आम वाहनों के लिए या फिर कहें लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करती जा रही हैं। सर कितनी देर से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? काफ़ी देर हो गई है सर। प्रॉब्लम तो लोग उन लोगों को है जो यहीं रहते हैं, हमें यही नहीं पता है कि हम काम पर जा रहे हैं, इफ़ वील बी एबल टू कम बैक टू नाइट और नॉट। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हर बार की प्रॉब्लम है, इलेक्शन आते हैं और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी परेशानियां यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रही हैं। देखिए लंबा जाम, मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार आपको तस्वीरें दिखाए राजू यादव। ये देखिए दूर तक आपको इस वक्त यहाँ पर लंबा जाम साफ तौर पर दिखाई देगा, बसें आपको काफ़ी दूर तक यहाँ पर दिखाई देंगी। तो धीरे धीरे अब सिंघू बॉर्डर पर भी जाम लगना शुरू हो चुका है। ऐसे में जो लोग हरियाणा से यानी कि सोनीपत से दिल्ली की तरफ एंट्री कर रहे हैं उनके सामने काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अभी दिल्ली से आए हम लोग, तो कितना चलना पड़ रहा है? अभी अंदर जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। कोई वाहन नहीं मिल रहा? कोई सवारी नहीं? कोई सवारी नहीं मिल रहा, बस वाला या बाहरी बॉर्डर तक छोड़ दिया। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत सर, दिल्ली से आया हूँ, बस वहीं उतार दिया, आने जाने में बड़ी परेशानी है, अभी पौन घंटा और जाना पड़ेगा अंदर। दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? आप लोग यहाँ काम करते हैं तो कैसे आ जा रहे हैं आप लोग? क्या करें भैया, मजबूरी मारना पड़ रहा है, परेशानी में पैदल चलना पड़ रहा है। हाँ, पैदल तो चलना पड़ रहा है, बंद कर दिए तो आना पड़ेगा। हाँ, तो किसान आंदोलन को लेकर आम लोग परेशान हो रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना था, जितेंद्र खुद बात कर रहे थे, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े भी हुए। जितेंद्र, हमें याद है कि सुबह ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी किसानों की तरफ से, तो ये कहा जा रहा था कि ये परेशानी किसानों ने पैदा नहीं की है, ये तो सरकार और पुलिस प्रशासन ने पैदा की है, जिन्होंने जगह जगह बॉर्डर सील कर दिए। अभी हालात किस तरीके के? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर को अब दोनों तरफ से पूरा तरह से सील कर दिया गया है। मैं चाहूँगा कैमरामैन राजू यादव आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से जो सिंघू बॉर्डर है अब उसको सील कर दिया गया है दोनों तरफ से। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सिंघू बॉर्डर के पास यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी वाहन के आने जाने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। ये देखिए सबसे पहली लेयर सिंघू बॉर्डर से ठीक महज आपको 800 मीटर दूर बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो पहली सी लेयर वो है, दूसरी लेयर यहाँ पर शुरू होती है जहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है कि हरियाणा में आपका स्वागत है, यानी कि जहाँ पर दिल्ली शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद ये देखिए ठीक सामने यहाँ पर सीमेंटेड स्लैब्स सड़क के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर जगह जगह रख दिए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है। तो कहा जा सकता सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर किसान सिंघू बॉर्डर से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो पुलिस का कहना है कि उन्हें रोकने की हर संभव जो कोशिश है। जितेंद्र भाटी का हम रुख करना चाहेंगे, भटिंडा बॉर्डर से वो भी लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे। जितेंद्र, वहां पर किस तरीके के हालात, क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाऊँ कि ये बॉर्डर जो है बंद है, मैं पंजाब में खड़ा हूँ, सामने हरियाणा नहीं जा सकते, इसकी वजह से हो क्या रहा है वो भी दिखाइए। निशान जल्दी तेज़ी से दिखाइए। ये देखिए वाहनों का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो गया है, खुद यहाँ पर जो है BSF की मूवमेंट भी होनी थी, उनके ट्रक्स भी जो है फंसे हुए हैं और लगातार जो कमर्शल व्हीकल्स हैं वो क्योंकि बॉर्डर सील है तो उसकी वजह से इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं जहाँ उनको मूवमेंट करनी थी। तो खासी जो है यहाँ पर लोगों को परेशानी भी होनी शुरू हो रही है। साथ ही अभी थोड़े पहले हम जब रिपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर किसान इकट्ठा नहीं हुए थे, लेकिन किसानों से हमारी बात हुई, उनकी रणनीति के बारे में पता लगा, वो ये है कि किसान ये देख रहे हैं कोई भी बॉर्डर एक बार पेनिट्रेट हो जाए तो उसके बाद आसपास के जो गाँव हैं वहाँ पर ट्रॉलियाँ रखी हुई हैं, वहां से सब इकट्ठा होंगे। जिस बॉर्डर पे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ ना सिर्फ पंजाब बल्कि लगातार आप नजर बनाए रखिए। जितेंद्र, अपडेट के लिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।